गुड मॉर्निंग गाइस, नाइस टू मीट यू वंस अगेन। सो गाइस, यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी लर्न चैप्टर टू एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। आई होप यू आर डूइंग योर वर्क वेरी हार्ड सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू ओनली। गाइस, यस्टरडे वी हैव लर्न चैप्टर टू एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। लेट मी रिकैप यू वंस अगेन। वॉट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नाउन्स कैन बी abstract noun, what we cannot touch, as example honestly, intelligency, जो word जिस noun को हम touch नहीं कर सकते, जिस word को, जिस adjective को हम touch नहीं कर सकते हैं, उसे हम abstract noun कहते हैं, ठीक है? And concrete noun, what we can touch physically, जिसे हम touch कर सकते, जिस noun को हम touch कर सकते, जैसे human beings, teachers, human beings, animals, इस type के या कोई भी things हुए, कोई भी सामान उसको हम टच कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है? वंस अगेन आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ इमेजिनरी होती है। जैसे यू आर वेरी ब्रिलियंट, तो आपकी इंटेलिजेंसी को मैं टच नहीं कर सकती। वो बच्चा बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता को हम टच नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही ऑनेस्ट है, उसकी ईमानदारी को हम टच नहीं कर, दीज ऑल आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन जिसे हम टच कर सकते हैं, टीचर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, थिंग्स, योर बुक्स, वॉट एवर, ब्लैक बोर्ड, वो सब वर्ड्स को हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है? सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो। हम लगातार चार दिन से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आपने देखा होगा ध्यान से, ये सब हमने किया होगा। वापस मैं आपको एक बार रिमाइंडर दिलवा देती हूँ, दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी डन। क्या था? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को हम टच कर सकते हैं, तो हमने कॉन्क्रीट नाउन सीएन लिखना था। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी को हम टच नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि एन लिखना था, ठीक है? इस टाइप की वर्ड्स होमवर्क था, जो कि मैंने फिर आपको दोबारा फिर आंसर ही बताया था। दीज आर ऑल्सो होमवर्क, ये सब भी होमवर्क है आपके, लेकिन मैंने इन सबका भी आंसर आपको बता दिया था, ठीक है? ये देखिए ध्यान से, ये सारे वर्ड्स भी मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, आंसर के साथ। तो ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, स्टैंडर्ड फोर। गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली, चैप्टर टू वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विथ आवर कॉपी वर्क। जैसे कि मैंने कल कॉपी वर्क भी आपको बताया था, देखिए यहाँ ध्यान से, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन, विच नाउन्स वी कैन नॉट सी फिजिकली और टच आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस नाउन को हम नहीं टच कर सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑनेस्टी, वाइज, लेजी, इंटेलिजेंट एटसेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। नाउ विच नाउन्स वी कैन सी और टच फिजिकली आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। जिस नाउन को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, टीचर्स एटसेट्रा, इन सबको जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी। एंड यस्टरडे आई हैव गिवन यू होमवर्क ऑल्सो, राइट एटलीस्ट 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड 10 कॉन्क्रीट नाउन इन योर रफ कॉपी और इंग्लिश स्कूल कॉपी। आपको मैंने बोला था 10 कॉन्क्रीट नाउन और 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखने के लिए, ठीक है? नाउ गाइस, टुडे योर लास्ट रिविजन वर्क, दिस लुक एट दिस वेरी केयरफुल गाइस, स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 2 रिविजन पार्ट 5 एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन, दिस इज योर टुडे लास्ट वर्क, ओके? रिविजन वर्क, nouns which we cannot see or touch physically or taste and smell are called abstract noun. जिस noun को हम न टच कर सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, न स्मेल कर सकते हैं, उसे हम abstract noun कहते हैं। Example, beautiful, happy, etc. और भी बहुत सारे words हैं abstract noun के। And those nouns we can see, touch physically or smell or taste आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। और जिस नाउन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं फिजिकली, या स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। उस टाइप के थिंग्स को, जैसे स्वीट्स, स्वीट्स को आप टच भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, चॉकलेट्स टच भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, उस टाइप के वर्ड को हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है? एज पेरेंट्स, चाइल्ड, फ्रेंड, टीचर्स एटसेट्रा, बहुत सारे और भी हैं कॉन्क्रीट नाउन जो कि मैंने बता ही दिया। वेजिटेबल्स भी हो गए, फ्रूट्स भी हो जाएंगे, इस टाइप के वर्ड्स भी कॉन्क्रीट नाउन हो गए, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गई होगी गाइस। वंस अगेन आई एम
ऑलरेडी कॉल यू। यहां देखिए एप्सिलॉन कॉन्क्रीट नाउन आपकी मतलब एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, एप्सिलॉन वो होते हैं जो हमें टच नहीं कर सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ गाइस व्हाट वी हैव, कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो क्या था, राइट एटलीस्ट 10 एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन, तो आपने किया ही होगा। मैंने भी यहाँ पे आपको 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता दिया है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी डेट यू हैव टू राइट ओनली व्हाट आई हैव रिटन। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप टीचर्स का ही देख के आप सही कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप अपने मन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन क्लियर करके लिख सकते हो। ओके नाउ गाइज दिस इज माय आंसर, एब्स्ट्रैक्ट साइलेंट क्रूएल साई फुलिश इंटेलिजेंट फेयर ऑनेस्ट काइंड हेल्पफुल लकी, ये 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए जिसे हम ध्यान से देखिए, इन सबको हम छू नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ये सारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नाउ कॉन्क्रीट नाउन जिसे हम टच कर सकते हैं, पर्सन किंग कैट फॉक्स पैरोट कॉपी फ्रेंड टीचर फ्रेंड्स वर्ड्स, बहुत सारे हैं इस टाइप के वर्ड्स। आपको जो आपने जो लिखा है वो भी सही हो सकता है, और जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप लिख सकते, अपने मन से भी कुछ लिख सकते हो, बट वो होनी चाहिए कॉन्क्रीट नाउन, वो टचेबल होनी चाहिए फिजिकली, कोई भी नॉन कोई भी थिंग्स कोई भी सामान कोई भी चीज ऐसा होना चाहिए जिसे आप टच कर सकते हो छू सकते हो, ठीक है। तो दीज ऑल आर 10 वर्ड्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन एंड दीज वर्ड्स आर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो गाइज स्टैंडर्ड 4 वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड टूडे चैप्टर 2 एंड आई होप आई हैव ऑलरेडी मेक यू अंडरस्टूड ऑल्सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको समझा भी दिया अच्छी तरीके से और बता भी दिया। नाउ व्हाट इज योर टुडे होमवर्क, कि इसे गो थ्रू होइए, दिस इज ग्रामर एंड ऑल दो, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, ग्रामर इज नॉट टू लर्न, ग्रामर लर्नने की चीज नहीं है, ग्रामर समझने की चीज, जस्ट लाइक ए मैथ्स, मैथ्स और ग्रामर दोनों समझने की चीज है, लर्न करने की चीज नहीं है। सो गाइज प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस ग्रामर, डू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली गाइज, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू राइट दिस वॉट आई हैव रिटन इन कॉपी इन योर इंग्लिश कॉपी। पहले से समझिए, समझने के बाद इस चीज को आप अपनी इंग्लिश कॉपी में उतारिए, अगर आपकी इंग्लिश की स्कूल की इंग्लिश कॉपी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इफ यू डोंट हैव देन ऑल्सो यू नीड नॉट टू वरी, टेंशन की कोई बात नहीं, आप अपने रफ कॉपी में लिख सकते हो, बट इन ए प्रॉपर वे, ओके, विथ डेट हेडिंग चैप्टर व्हाट अबाउट एवरीथिंग्स रिविजन वर्क ऑल्सो एंड यू डू अंडरस्टैंड देन ऑल्सो एंड ओनली यू हैव ट्राइड बाय योर ओन ओनली। आप पहले समझिए तभी से आप अपने वर्ड्स में अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद ये सब समझ के आप अपने वर्ड में अपने सेंटेंस में कॉपी में लिखिए एंड आई डोंट थिंक कि आपको अब कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने इसे 5 दिन में आपको एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन समझाया है, सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी आपकी। इन नेक्स्ट वीडियो विल मीट इन आवर विथ आवर न्यू चैप्टर, ओके। अनलेस एंड अंटिल गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ।